नमस्कार, मैं डॉक्टर वी डी बापना द्रव्य गुणम मेडिसिनल प्लांट्स इंट्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस द्रव्य के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक स्पाइस भी है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा है और जिसको कई सालों से आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है मरीच। मरीच जिसे कि हिंदी में काली मिर्ची कहा जाता है, गुजराती में काली मरी, इंग्लिश में ब्लैक पेपर या पेपर कॉर्न भी कहा जाता है। इसका लेटिन नाम है पाइपर नाइग्रम। पाइपर वर्ड जो है वो ओरिजिनली संस्कृत का वर्ड पीपर, क्योंकि जो लॉन्ग पेपर है पीपली है उसको कई भाषाओं में पीपर भी कहा जाता है। तो ये जो पाइपर वर्ड है वो पीपर संस्कृत वर्ड से ओरिजिन हुआ है और लेटिन वर्ड पाइपर बना। और नाइग्रम वर्ड जो है वो कलर से ग्रेइश ब्लैकिश कलर से आता है, तो इसका नाम हुआ, लेटिन नाम हुआ पाइपर नाइग्रम। पाइपरेसी फैमिली का ये मेंबर है और इसको हिंदी में काली मिर्ची कहा जाता है, इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहा जाता है। चूंकि इसको मसालों का राजा माना जाता है और इसका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता था पुराने ज़माने में, आज भी होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मसाला है जो पूरा विश्व यूज़ करता है मेडिसिन की तरह भी और एज ए स्पाइस भी। इसे कई सारे मल्टीनेशनल क्यूजींस में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। मतलब इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और काले कलर का है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। इसके अलावा इसको किंग ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसालों का राजा कहा जाता है। इस तरह से आज हम जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं मरीच, वो आयुर्वेद के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, कमर्शियली भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पाइस है। मरीच म्रियन्ते जंतवो अनेन इति, मतलब ये कृमियों का नाश करता है। इसकी अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज भी प्रूव हुई है, तो कृमियों का नाश करता है इसलिए इसे मरीच कहा गया है। इसका एक पर्याय होता है कृष्णा, कृष्णा क्योंकि इसका जो फल होता है वो काले कलर का होता है। मरीच का फल काले कलर का होता है इसलिए इसे कृष्णा कहा जाता है। चूंकि ये बहुत उष्ण है, गर्म है, इसलिए इसको उष्णा भी एक पर्याय कहा गया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्याय है धर्म पातन, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है वो केरला भारत में कहा गया है। वहां पे त्रावणकोर करके एक जगह है, वहां के जो राजा थे उनका नाम था धर्मराज, और धर्मराज जो है उनके राज्य में, उनके राज्य को धर्मराज्य कहा जाता था और वहां पे ये बेसिकली इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए इसका एक पर्याय आया है धर्म पातन। इसके अलावा इसका एक पर्याय है वेल्लज या वल्लीज, क्योंकि ये वल्ली के ऊपर पैदा होता है, ये एक क्लाइंबर के ऊपर होता है, इसलिए इसका पर्याय वेल्लज या वल्लीज है। यवनेष्ट, यवन जो लोग थे, जो विदेशी लोग थे, उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए इसका एक पर्याय यवनवेष्ट भी कहा गया है। इस प्रकार से मरीच के इम्पोर्टेंट पर्याय है कृष्णा, उष्णा, धर्मपातन, यवनेष्ट, ये सारे इसके पर्याय कहे गए हैं। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता में इसका वर्णन कई जगह पे मिलता है और इसे दीपनीय महाकषाय, दीपनीय महाकषाय मतलब जो भूख को बढ़ाता है, जो अग्नि को बढ़ाता है, वो दीपनीय महाकषाय होता है। शूल प्रशमन, शूल प्रशमन में खास करके जो उदर शूल को कम करे, शूल प्रशमन, और बाकी शूल को भी जो कम करे, जो पेन में रिलीफ लाता है, शूल प्रशमन, कृमिघ्न कृमि का नाश करता है, और शिरो विरेचनोपग, शिरो विरेचन में उपयोगी होता है, इसीलिए इसको इन सब महाकषाय में लिया गया है। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत संहिता में जहाँ गण कहे गए हैं वहां पर पीपल्यादि गण और त्रिकटु में इसका वर्णन आता है। सुश्रुत में जहाँ उन्होंने गण कहे हैं 37 गण, वहां पे जनरली सुश्रुत का जो क्लासिफिकेशन है वो मुख्य द्रव्य के हिसाब से नाम देते हैं, तो पीपल्यादि गण। उसके अलावा उन्होंने कई सारे जो मिश्रक गण है वो सुश्रुत में भी वर्णित है, और त्रिकटु जो कि इसका, जिसका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मरीच है शुंठी और पीपली के साथ में, तो त्रिकटु का ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और आचार्य सुश्रुत ने इसे त्रिकटु में वर्णित किया है। इसके ओरिजिन की बात करें, मैं हमेशा ओरिजिन की बात करती हूँ, हमें दो बातें पता चलती है, एक तो ओरिजिनली ये द्रव्य कहाँ का है, और जैसे कि हम कई बार बात करते हैं कि इंडिया में कई सारे त्यौहार ऐसे रहते हैं या खास करके साउथ इंडिया में भी
कई दिन ऐसे होते हैं जब वो पितृजों का श्राद्ध मनाते हैं तो सिर्फ इंडिजिनस चीजों का ही उपयोग करते हैं। इंडिजिनस चीजें वो होती है जो कि ओरिजिनली हमारे खुद के देश में होती है। और दूसरी बात की आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस देश में जो पैदा होता है उस देश में जो औषधियां मसाले होते हैं वो उस देश के वासियों के लिए उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भारत का ओरिजिनल प्लांट है। स्पेशली भारत में भी केरला इसकी ओरिजिन मानी जाती है। इसके अलावा कई लोग इसे साउथ वेस्ट एशिया ओरिजिन भी मानते हैं। आजकल इसका कल्टीवेशन जो है वो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन ब्राजील में भी होता है। इसका कल्टीवेशन वियतनाम में, वियतनाम जो है इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन वियतनाम में होता है और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। बट ओरिजिनली इंडिजिनसली इट इज फ्रॉम इंडिया। इसके हैबिट की अगर मैं बात करूं तो ये एक आरोहिणी लता होती है। ये क्लाइंबर है जो कि लगभग काफी लंबा, 4 मीटर जितना लंबा हो सकता है और पेरिनियल क्लाइंबर है, मतलब बहुवर्षायु है। बहुवर्षायु है मतलब काफी साल तक ये रहता है। और ये जनरली पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के सपोर्ट में अच्छा रहता है। उसमें भी खास करके जो पेड़ जिनकी जो बार्क होती है वो रफ रहती है, अगर उसका सपोर्ट मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छे से उनपे चलता है। इसके जो लीव्स होती है वो ओवेट सिंपल लीव्स होती है और उनकी जो वेंस होती है वो प्रोमिनेंट, लगभग 5 वेंस हम बहुत प्रोमिनेंटली इसकी देख सकते हैं। एंटायर लीफ होती है और बहुत ही ग्लाउकस, मतलब बहुत चमकीली इसकी लीव्स होती है और कई बार उनमें ग्लैंड्स भी दिखाई देती है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो पेंडुलस स्पाइक्स होते हैं और फिर फ्रूट्स भी जो है उसी तरह से गुच्छों में लगते हैं। इसके फ्रूट जो होता है वो ड्रूप की तरह होता है। इसका फ्रूट जो होता है वो लगभग 4-1 मिलीमीटर जितना उसका डायमीटर होता है। और फ्रूट जो होता है वो गुच्छों में लगता है। शुरू में वो ग्रीन कलर के रहते हैं, थोड़े जब पक जाते हैं तो वो लाल कलर के हो जाते हैं और जब उनको हम सुखा लेते हैं तो वो काले कलर के हो जाते हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान देने लायक है, ये हम जो बात करें ब्लैक पेपर की, मार्केट में एक और पेपर अवेलेबल होती है व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर मतलब श्वेत मरीच। श्वेत मरीच जो है वो जो ये ब्लैक पेपर रहती है इसका छिलका हटा के और फिर श्वेत मरीच तैयार की जाती है। वो जो श्वेत मरीच होती है वो कई सारे जो क्यूजीन से जैसे थाई में और इटालियन फूड में उसको डालते हैं ताकि उसका स्वाद आ जाए लेकिन उसका कलर ना दिखाई दे। व्हाइट जो ग्रेवी रहती है उसके साथ वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो अब ये जो फ्रूट्स और सीड्स है इनकी प्रोसेसिंग के ऊपर इनका कलर और सब कुछ डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका संग्रह की एक स्पेशल विधि होती है। जब ये इसका पूरा ग्रीनिश हो जाता है और नीचे के फल कुछ, जब इसके बेस के जो गुच्छा रहता है उसके बेस के जो फल लाल होने लगते हैं तब उनको हैंड पिक कर लिया जाता है, उनको तोड़ लिया जाता है। फिर उसके दो तरह की प्रोसेस होती है। कई लोग उसको बॉइल करते हैं, बॉइल करने के बाद उसको सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई होने के बाद ये ड्राई हो गया है उसका वो होता है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर रिंकल्स आ जाती है, मतलब ऐसी वल्लिया आ जाती है, ये सिकुड़ जाता है, इसके ऊपर वल्लिया आ जाती है, एरोमा आ जाता है, तब ये ब्लैक पेपर जो है वो ब्लैक पेपर की तरह तैयार हो जाती है। कई लोग इसको बिना बॉईल किए सीधे ड्राई भी कर लेते हैं। इसका अगर व्हाइट पेपर बनाना है तो इसको उसको जब कलेक्ट करते हैं या फिर इसका भी इसको रगड़ के छिलका निकाल देते हैं। कई लोग इसको पानी में पहले सोक करते हैं, जब इसका छिलका नरम हो जाता है तो उसको रगड़ के निकाल देते हैं, तब वो व्हाइट पेपर में कन्वर्ट होती है। अभी आजकल मार्केट में जो ग्रीन पेपर है और रेड पेपर भी बहुत मिलने लगी है। तो वो कहाँ से आती है, तो जब ये ग्रीनिश ही रहती है प्लांट पे तो इनको ले लिया जाता है। कई बार उनको सोलर ड्राइंग की जाती है और ड्राइंग करने के बाद जो उसको ग्रीन कलर में ही कम ड्राई करके रख लिया जाता है तो ग्रीन पेपर बनती है। कई बार उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से उसका ट्रीटमेंट करते हैं या कैनिंग, इन सब प्रोसेसेस में भी वो ग्रीन रहती है। और रेड पेपर भी जब वो ग्रीन से थोड़ी रेड हो जाती है पेड़ पे ही, तब उनको कलेक्ट किया जाता है और तब उसको लिया जाता है। कई सारे देशों में थाई क्यूजिन्स में वगैरह में रेड पेपर और ग्रीन पेपर वो लोग यूज करते हैं, इसीलिए इस तरह से प्रोसेसिंग के हिसाब से इसका कलर होता है।
कई बार रेड पेपर जो है उसको विनेगार में रख दिया जाता है और फिर उसको यूज किया जाता है। अब अगर हम आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज की बात करें, मरीच जो है उसको लघु तीक्ष्ण गुण कहा गया है, बहुत तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म है, कि प्रमाथी द्रव्य जो स्रोतों को खोल देते हैं, तो प्रमाथी द्रव्यों का जहाँ वर्णन किया गया है तो उसका जब उदाहरण देते हैं तो मरीच को उसका उदाहरण दिया गया है। इसका रस कटु मतलब पंजेंट होता है। आयुर्वेद में पांच रस जो कहे गए हैं उनमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मीन्स मधुर मीन्स स्वीट इन टेस्ट, अम्ल मीन्स सोर इन टेस्ट, लवण मीन्स सॉल्टी टेस्ट, कटु मीन्स पंजेंट टेस्ट, तिक्त मतलब की बीटर टेस्ट और कषाय मतलब की एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। इस तरह से छह टेस्ट बताए गए हैं। और हम जब भी देखते हैं कि जब कटु टेस्ट के जितने भी ड्रग्स रहते हैं वो जनरली बहुत अच्छे दीपन पाचन होते हैं, बहुत अच्छे कृमिक न होते हैं। तो इसकी बात करें हम तो लघु, सूक्ष्म और तीक्ष्ण इसके गुण है, बहुत तीक्ष्ण होती है ये कटु। इसका रस मतलब पंजेंट होती है, टेस्ट में तीखी होती है, विपाक कटु है और वीर्य उष्ण है। जबकि अगर आद्र फल है जो जब गीला ही होता है उसका विपाक मधुर होता है, वो गुण में गुरु होता है और वीर्य में भी ना अति उष्ण और ना अति शीत कहा गया है, मतलब गर्म और ठंडे के बीच का होता है वो। कर्म की बात करूं अगर मैं तो जो मरीच है वो बहुत अच्छा रोचन, कृमिग्न, श्वासहर, ज्वरहर, दीपन, शूलहर इसे कहा गया है। एक खास बात है इसकी कि इसको अवृष्य कहा गया है, तो ये जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए इसे अवृष्य कहा गया है। इसके प्रयोज्य अंग जो है वो फल इसका प्रयोज्य अंग होता है। इसकी मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, जनरली चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है, लेकिन चूंकि ये बहुत तीक्ष्ण उष्ण है इसलिए इसकी मात्रा जो है वो प्रायोगिक मात्रा जो है वो 0.5 से 1 ग्राम है। अब हम बात करते हैं इसके थेरापेटिक यूजेस की, कि मरीच जो है उसको थेरापेटिक यूज क्या किया जाता है। तो मरीच जो है मसाले में तो हम प्रयोग करते ही है। अभी चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, आयुष डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, उन्होंने एक प्रिवेंटिव गाइडलाइंस निकाली है, तो उसमें एक हर्बल टी बनाने का उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। तो वो जो हर्बल टी होती है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट मरीच होता है। तुलसी, दालचीनी, मरीच, शुंठी और मुनक्का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसको पानी में उबाल के और फिर उसमें गुड़ मिला के और थोड़ा लेमन जूस मिला के प्रयोग किया जाता है। ये जो है ये आयुष मिनिस्ट्री ने कोरोना प्रिवेंटिव काढ़ा कहा है, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी मरीच है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका इफेक्ट अच्छा होता है। मरीच जो है वो स्किन डिसीज के लिए भी अच्छी होती है, खास करके स्कैबीज जिसको आयुर्वेद में पामा भी कहा जाता है, स्कैबीज में मरीच आदि तेल को लगाया जाता है जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनके, या फिर मरीच को घी में सिद्ध करके और उस घी का प्रयोग भी किया जाता है। मरीच का तेल, मरीच जो होती है उसमें से एसेंशियल ऑयल निकलता है, उस मरीच का तेल भी प्रयोग किया जाता है। दांतों के रोग की मैं बात करूं तो दंत शूल मतलब कि दांतों में टूथेक जो होता है उसमें मरीच के क्वाथ से मतलब ये जो काली मिर्ची होती है इसका उकाला बना लिया जाता है, और उकाला बनाने के बाद उससे गार्गल्स किए जाते हैं तो उनमें अच्छा फायदा मिलता है। जिंजिवाइटिस या जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों की जो प्रॉब्लम रहती है या दंत कृमि में, इसको एक मंजन की तरह भी यूज किया जाता है, मतलब काली मिर्ची को नमक के साथ मिला लिया जाता है और फिर उन दोनों को मंजन की तरह घिसा जाता है, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। नेत्र रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मधु को मरीच को मधु के साथ मिलाकर अंजन के रूप में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो यूज करते हैं। अभी कास रोग में मरीच का बहुत अच्छा प्रयोग है, जैसे मैंने पहले ही बताया मरीच जो है त्रिकटु चूर्ण का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो कास रोग में मतलब खांसी में, कफ में त्रिकटु चूर्ण शहद के साथ भी दिया जा सकता है, या फिर मरीच का चूर्ण मतलब काली मिर्ची का चूर्ण, चूर्ण की मात्रा 0.5 से 1 ग्राम लेंगे, उसमें मधु और शर्करा मिलाकर प्रयोग किया जाता है। मधु और घृत और शर्करा मिलाने का भी विधान है, लेकिन मधु के साथ जब भी घृत मिलाए तो ध्यान रहे कि उनको इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलाना है। अब हम बात करें कि सर्दी में
जीर्ण प्रतिशाय जिसको कहते हैं, क्रॉनिक राइनाइटिस कहते हैं, उसमें मरीज का बहुत अच्छा उपयोग है। इसमें एक सिंपल सा प्रयोग होता है कि तुलसी का पत्र लेके उसके अंदर काली मिर्ची का दाना रख के और उस दोनों को पेशेंट को चबाने के लिए दिया जाता है। ऐसे सुबह शाम करते हैं और इससे भी उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा मरीज का फांट बना के भी प्रयोग किया जा सकता है। फांट बनाने की जो विधि है उसमें पानी गर्म कर लिया जाता है, समझ लीजिए अगर हम 2 ग्राम चूर्ण ले रहे हैं तो उसमें हम 20 ml जैसा पानी ले लेंगे, उसको उबलने देंगे और फिर उसको उसके अंदर ये पाउडर डाल देंगे, उसको ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ी सी देर रहने दीजिए उसको उसी के अंदर और फिर गर्म ही उसको छान के पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं वैसे फांट का प्रयोग किया जाता है, खास करके प्रतिशाय में। या फिर मरीच, अदरक, तुलसी और लविंग, इन चारों का फांट बना लिया जाता है। मरीच, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मतलब काली मिर्ची, तुलसी के पत्र, लवंग और इन सब का मिला के फांट बनाते हैं। उसमें बाद में थोड़ा नींबू या शहद ऐड कर सकते हैं और ये जीर्ण प्रतिशाय में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कई शास्त्रों में इंडिकेशन है कि जीर्ण प्रतिशाय हो तो मरीच के चूर्ण को दही और गुड़ के साथ, हालांकि दही कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहा गया है लेकिन कुछ आचार्यों ने दही और गुड़ के साथ इसका प्रयोग करने के लिए कहा है। अरुचि अगर हो, जिसमें भूख न लगती हो, तो मरीच के चूर्ण को खाना खाने से पहले गुड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। अजीर्ण में मरीच, शुंठी और लविंग, मतलब मरीच पाउडर ले लीजिए, काली मिर्ची, शुंठी जो कि सूखा हुआ अदरक होता है, सौंठ होती है वो, और लवंग, इन तीनों को छाछ में मिला के पिया जाता है तो अजीर्ण में बहुत इनडाइजेशन की जो स्थिति होती है उसमें अच्छा लाभ मिलता है। प्रवाहिका या विसूचिका, डिसेंट्री हो या कोलेरा हो, उसमें भी इसको हींग और अहिफेन के साथ यूज किया जाता है। इनको, इनकी सबकी मात्रा है जो है दो दो रत्ती ली जाती है, दो रत्ती मतलब 500 mg मरीच, 500 mg हींग और उसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अर्श में इसको, जो पाइल्स होती है उसमें इसको शाह जीरा, जिसको कृष्ण जीरा कहा जाता है, उसके चूर्ण के साथ और मधु मिलाकर प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कीड़ा काट ले तब विनेगार में मिला के मरीज को उस जगह पे लगाया जाता है तो जो वहाँ शूल होता है उससे फायदा मिलता है। खालित्य की बात करें, मतलब अगर सर में फंगल डिसीज हो गई है, उसकी वजह से हेयर लॉस हो गया हो, तो उसमें इसको प्याज के रस में मिला के, प्याज के रस में मरीच और थोड़ा सा लवण मिला के और उसको हेयर पे अप्लाई किया जाता है और उससे जो जो फंगल डिसीज की वजह से हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इस प्रकार से मरीच जो है सर्दी, खांसी, दांत के रोग, इन सभी रोग और स्किन डिसीज में मरीच आदि तेल का आयुर्वेद में कई जगह प्रावधान किया गया है, तो स्किन की डिसीजेस में भी मरीच बहुत अच्छी यूजफुल होती है। इसके फॉर्मुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो त्रिकटु चूर्ण, व्योषादि वटी, पंचकोल चूर्ण में भी मरीच एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मरीच आदि तेल जो स्किन डिसीजेस में काफी यूज किया जाता है, चंद्र प्रभा वटी का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये, और त्रिभुवन कीर्ति रस जो कि सर्दी, खांसी और बुखार में प्रयोग किया जाता है, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में चरक संहिता से लेकर जो बाद के ग्रंथ है उनमें भी मरीच के कई सारे फॉर्मुलेशन बताए गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ड्रग होता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मरीच में पाइपेरिन पाया जाता है, जैसे कि पिपली में पाइपेरिन पाया जाता है वैसे ही मरीच में भी, खास करके उसके छिलके में लगभग 5-10% पाइपेरिन का पाया जाता है। पाइपेरिन जो है वो एक ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस अभी तक हो चुकी है और उसका उसके कई सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रूव हो चुके हैं जो हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा मरीच में पाइपेरिडीन, पाइपेरिटीन एसेंशियल ऑयल तो इसमें से निकलता ही है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स जिनमें की खास करके कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन पाया जाता है। विटामिन्स की मैं बात करूं तो थायामिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसमें टर्पिन्स भी पाए जाते हैं, खास करके सेस्क्यू टर्पिन्स इसमें पाए जाते हैं। रोटेंडॉन नाम का एक पदार्थ इसमें पाया जाता है जो कि मुस्तक में भी पाया जाता है। जनरली पेपर में ऐसा होता है, जो ब्लैक पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रयोग है, चूंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो जब भी इसको प्रयोग करना हो और खास करके अगर फूड में भी प्रयोग कर रहे हैं आप,
तो उसको पाउडर लेने की बजाय एक ग्राइंडिंग मशीन आती है, इसको ग्राइंडिंग मिल भी कहते हैं, तो उसी वक्त अगर इसको ग्राइंड करके प्रयोग किया जाए तो इसका इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। इसीलिए उसे कई सारे देशों में आप देखेंगे कि ग्राइंडिंग मिल जो होती है डाइनिंग टेबल का एक हिस्सा होता है। होटल में भी हम जाते हैं तो सॉल्ट एंड पेपर, मतलब पेपर इज सो फेमस की पेपर हमेशा होती ही है वहां पे टेबल पे, तो उसी वक्त अगर ग्राइंड करके इसको खाया जाए तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। पेपर में जो ब्लैक पेपर है उसमें कई बार अडल्ट्रेशन भी मिलता है, खास करके पपीते का अडल्ट्रेशन इसमें किया जाता है। तो हम देखेंगे कि इसका अडल्ट्रेशन को अगर हम टेस्ट करना चाहे तो जब भी मरीच जो है अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो अगर असली होगी तो वो बेस पे चली जाएगी। देखिए अगर मरीच जो है वो जेन्यून है तो इट विल सिंक, और अगर पपीते के बीज है तो वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो दिस इज द वे यू कैन चेक वेदर देयर इज अडल्ट्रेशन इन द ब्लैक पेपर। अब मैं अगर मरीच के ऊपर पाइपर नाइग्रम और पाइपेरिन के ऊपर खास करके बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी है, और अगर हम उन रिसर्चेस की बात करें तो ये जो पाइपेरिन है इसको एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। ये पाइपेरिन जो होता है वो लिपिड के पेरोक्सीडेशन को कम करता है, लाइपोऑक्सीजनेस जो एंजाइम होता है उसके उसको भी इनहिबिट करता है, फ्री रेडिकल्स को इनहिबिट करता है। तो ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और एक अच्छा बहुत अच्छा प्रिवेंटिव हो सकता है। इसको एक अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटरी भी पाया गया है, और पाया गया है कि ये TNB जो सेल्स होती है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। इसकी एंटी कैंसर एक्टिविटीज भी पाई गई है, खास करके जब इसके अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को टेस्ट किया गया तो उसके अच्छे एंटी कैंसर इफेक्ट पाए गए हैं। इसको ब्रेस्ट कैंसर लाइन, प्रोस्टेट कैंसर लाइन, सर्वाइकल कैंसर लाइन पर टेस्ट किया गया तो इसको इसका रिजल्ट जो है वो इसको अच्छा साइटोटॉक्सिक माना गया। और इसके अलावा लंग कैंसर में भी इसके इसकी कुछ स्टडीज जो है वो उनमें पॉजिटिव रिजल्ट पाए गए हैं। इसका जो पाइपेरिन है उसको एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है वो, इसीलिए शूल में ये अच्छा काम करता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में खास करके इसकी मालिश में भी अच्छा फायदा करता है, और इंटरनली भी त्रिकटू चूर्ण जब दिया जाता है तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है और सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। इसका एंटीबायोटिक इन विवो स्टडीज में एंटीबायोटिक इफेक्ट इसका पाया गया है, इसको हाइपर लिपिडिमिक भी पाया गया है। एक खास बात है पाइपेरिन की जो है मॉडर्न साइंस में मॉडर्न डॉक्टर्स भी काफी बात करते हैं, तो पाइपेरिन जो है उसको एक बहुत अच्छा बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर माना गया है। तो कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बायो अवेलेबिलिटी, जब हम फार्माकोलॉजिकल लेक्चर लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स की जो भी ड्रग ओरली ली जाती है, जनरली ओरली जो ली जा रही है वो ब्लड में कितने परसेंटेज पहुंचती है, वो जो परसेंटेज होता है उसको बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग कहा जाता है। मान लीजिए 500 mg कोई ड्रग ओरली ली है और उसमें से जब कुछ टाइम के बाद जब सेरम टेस्ट किया जाता है तो अगर 250 mg पहुंच रही है ब्लड में तो मतलब दैट ड्रग इज 50% बायो अवेलेबल। तो पाइपेरिन जो है कुछ ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, तो इसको एक बहुत अच्छा बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसर कहा गया है। खास करके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है रिफाम्पिसिन जो है वो, उसके साथ अगर पाइपेरिन दिया जाता है या मरीच या लॉन्ग पेपर दी गई तो पाया गया कि उसका इफेक्ट जो है ज्यादा अच्छा आता है, बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है। इसके अलावा ये कुरकुमिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, इवन कुछ जो एंटी एपिलेप्टिक्स यूज किए जाते हैं फिनेटोइन, इसके अलावा कुछ और ड्रग्स कार्बामेजापाइन, इन सब ड्रग्स की जो है ये बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करता है। और बीटा कैरोटीन, कुछ फूड जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी भी एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, जैसे कि बीटा कैरोटीन गैलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, कुरकुमिन के एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है, उसका बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाता है। इसलिए कई बार कुरकुमिन के कॉम्बिनेशन में पाइपेरिन को कुछ
कंडीशंस में दिया जाता है, नेम्यूसलाइड के बायो एनहांसर होता है ये। तो अगर हम देखेंगे तो ये कई सारे ड्रग्स का बायो एनहांसर, तो मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो भी दे हैव गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पर्टिकुलर पाइपेरिन, बिकॉज इफ सिनर्जिज्म की बात करें या हम समन्वय की बात करें, जब भी किसी इंटीग्रेटेड मॉडल की बात करेंगे हम चिकित्सा में, तो ये सारे द्रव्य जो है वो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसी प्रकार से मरीज की हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज भी पाई गई है, खास करके इसके मेथेनोलिक एक्सट्रैक्ट को जब माइस में टेस्ट किया गया तो हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज की पाई गई है। इसको एक अच्छा एंटी डायरियल भी पाया गया है, इसीलिए जैसे मैंने बताया आपको कि प्रवाहिका में और विषूचिका में, कोलेरा और प्रवाहिका, उसमें आयुर्वेद में भी इसके इसको इंडिकेट किया गया है। तो ये जो है वो अच्छा एंटी सिक्रेटरी होता है और एंटी मोर्टिलिटी इसको पाया गया है और एंटी डायरियल एक्टिविटी जो है इसकी वो एस्टैब्लिश हुई है। इसी प्रकार से देखा गया है कि ये कॉग्निटिव फंक्शन जो होता है उसको मरीज बढ़ाता है। तो एल्जाइमर्स के जो एल्जाइमर्स मॉडल में इसको जब टेस्ट किया गया तो इसको अच्छा कॉग्निटिव इम्प्रूविंग एजेंट पाया गया। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि आयुर्वेद में इसको दीपनी महाकषाय में चरक ने लिया है और इसको एक दीपन रोचन बताया गया अच्छा, तो ये पाया गया कि ये सलाइवा के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को भी स्टिमुलेट करता है उनके प्रोडक्शन को। इसी के अलावा ये लीवर को स्टिमुलेट करता है अधिक बाइल एसिड सिक्रेट करने के लिए, तो उससे जो फैट का मेटाबॉलिज्म है या फैट का जो डाइजेशन है उसमें ये हेल्प करता है। इसको एक अच्छी प्रॉपर्टी इसकी, जैसे हमने क्रूमिक ने कहा इसको, तो ये अच्छा एंटीबैक्टीरियल पाया गया है, खास करके ओरल कैविटी की जो पैथोजन्स है, जैसे हमने पहले बात की कि इसको जिंजिवाइटिस में, दंत कृमि में प्रयोग किया जाता है, तो ओरल पैथोजन्स में ये अच्छा पाया गया। स्टेफिलोकोकस ओरियस में इसका अच्छा रिजल्ट पाया गया। इसके अलावा जो इसका एक्वस डिकॉक्शन है उसी को टेस्ट किया गया और आयुर्वेद में भी इसके क्वाथ से गंडूश करने के लिए कहा गया है, तो ओरल कैविटी के पैथोजन्स को ये किल करता है वो पाया गया है। इसके अलावा इसका एक और उपयोग है कि प्लांट पैथोजन्स जो होते हैं, जो प्लांट्स में लगने वाली बीमारियां हैं, उनमें भी ये अच्छा काम करता है, तो इसको एग्रीकल्चर में भी एज ए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज किया जा सकता है। इसको एक अच्छा पाइपेरिन जो है उसको अच्छा एंटी डिप्रेसेंट पाया गया है और एंटी कन्वर्जेंट भी पाया गया है। तो इस तरह हम देखें मरीज में से निकलने वाला पाइपेरिन, और पाइपेरिन जो है उसकी काफी सारी एक्टिविटीज है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, एंटी कैंसर से लेकर एंटीबैक्टीरियल तक एक वाइड फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटीज इसकी पाई जाती है। इसके कल्टीवेशन की मैं अगर बात करूं तो ये जो है हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अच्छा होता है, न इसको ज्यादा ड्राई जगह चाहिए और न ही बहुत ज्यादा वाटरी इसको चाहिए, ड्राई ह्यूमिड और हॉट एरियाज में, सॉरी हॉट और ह्यूमिड एरियाज में ये अच्छा होता है। मिट्टी जो उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो वहाँ ये अच्छे से सरवाइव करता है। इसको लगाने के लिए इसकी कटिंग्स ली जाती है, जो 40 से 50 सेंटीमीटर जितनी कटिंग्स लेके इसको लगाया जाता है। शुरुआत के 2-3 महीनों तक इसे अच्छा इरिगेशन देना पड़ता है, 2-3 साल के बाद लगभग 2-3 से लेके 5 साल के बीच में इसमें फ्रूटिंग शुरू होती है और ये उसके बाद 25 से 30 साल तक फ्रूटिंग देता है। और एक जो स्पाइस इसकी स्पाइक होती है उसमें से 250 से 300 जैसे फ्रूट्स प्राप्त होते हैं। और कई जगह पे देखा गया है 100 साल पुरानी मरीज की बेल भी पाई गई है, तो इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है। तो मरीज का कल्टीवेशन भी जो है, इट इज ऑल्सो ए वेरी बेनिफिशियल क्रॉप फॉर द फार्मर्स और द द्रव्यगुण स्टूडेंट्स हु वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इसके अदर यूजेस देखें तो जैसे स्पाइस में इसको यूज किया ही जाता है, इसके अलावा एसेंशियल ऑयल जो निकलता है उसको फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज किया जाता है। एक टैबेस्को सॉस होता है उसको बनाने के लिए भी, जो कई सारे इंटरनेशनल क्यूजींस में यूज होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा वेटरनरी मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बोला कि हर्बल ड्रग्स ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए उपयोगी है बल्कि जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए भी, एग्रीकल्चर में भी एज ए मैन्योर, एज ए इंसेक्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड उसको यूज करके जो केमिकल्स है उनको, उनका यूज जो है वो कम किया जा सकता है।
इसके सेफ्टी की मैं बात करूं तो चूंकि ये उष्ण होता है इसलिए पित्त वर्धक है, तो पित्त प्रकृति के लोगों में इसको ध्यान से यूज करना चाहिए। और ये अवृष्य है तो जो कपल्स है जो बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको भी इसका यूज कम करना चाहिए। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस होते हैं उनमें ये थायरोक्सिन को अगर उसको उसके जो ड्रग्स चल रही ऑलरेडी उनके साथ अगर इसको दिया जाए तो थायरोक्सिन के लेवल्स को कम करता है। ये ड्रग इंटरेक्शन होती है इसकी, तो उसको ध्यान में रखा जाए। मैं हमेशा ड्रग और हर्ब का इंटरेक्शन होता ही है, वो कई बार सिनर्जेटिक होगा या एंटागोनिस्ट होगा। तो जब भी आप कोई मेडिसिनल मतलब मॉडर्न मेडिसिन के साथ अगर कोई हर्ब यूज कर रहे हैं तो हमेशा उनके बीच में आधा घंटे से एक घंटे का अंतर रखिए ताकि ड्रग इंटरेक्शन के चांस कम हो जाए जहां पर कि एंटागोनिज्म होने का चांस हो। तो इस तरह से आज हमने जो बात करी, त्रिकटू जो चूर्ण है आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध फॉर्मुलेशन है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट मरीच जिसे कि किंग ऑफ स्पाइसेस इंडिया में बहुत सालों से उसे मसाले की तरह और औषधि की तरह यूज किया जा रहा है। तो किंग ऑफ स्पाइसेस की हमने आज बात की, वाइड रेंज ऑफ थेरापेटिक यूजेस मरीच के है। तो इस तरह से मरीच का यूज करके हेल्थ बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।